हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद ग्रुप एजी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक SSC, PSC, बैंक, रेलवे, TET एंड वेरियस अदर एग्जाम्स। हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए हमारी करंट अफेयर सीरीज़। इस हफ्ते भी हम लाए हैं हमारा सेट 6 ऑफ करंट अफेयर सीरीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। परिवेश पहल क्या है? परिवेश प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। पहल का उद्देश्य सभी तरह की क्लियरेंस, मसलन पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन से संबंधित की सुविधा को एकत्रित विंडो के माध्यम से सुलभ बनाना है। अगला प्रश्न, 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व में क्या रैंक प्रदान की गई है? हाँ जी दोस्तों, 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व में 10वीं रैंक प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। देश में कुल वनावरण 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। देश में सघन वन में 1.36% की वृद्धि हुई है। IFSR 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के निर्धन परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ हुई? हाँ जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के निर्धन परिवारों को निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जो योजना प्रारंभ हुई, उसका नाम है प्रकाश है तो विकास है। अगला प्रश्न, भूकंप एवं सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया में राहत एवं बचाव कार्य हेतु भारत द्वारा अक्टूबर 2018 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? हाँ जी दोस्तों, जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसका नाम है समुद्र मैत्री। भारत का ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भारतीय वायुसेना के 2 विमानों C-130J और C-17 से राहत सामग्री के साथ चिकित्सा दल को रवाना किया गया। इन विमानों में एक अस्पताल बनाने के उपकरण, दवाएं, जनरेटर सेट, टेंट और पानी ले जाया गया। भारतीय नौसेना के 3 पोतों INS तीर, INS सुजाता और INS शार्दुल से मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजी गई। यह पोत 6 अक्टूबर को इंडोनेशिया के सुरावेसी द्वीप पहुंचा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अल्कोहल के हानिकारक प्रयोगों के कारण होने वाली मौतों में कमी लाने के उद्देश्य से सितंबर 2018 में WHO द्वारा कौन सी पहल लॉन्च हुई? हाँ जी दोस्तों, अल्कोहल के हानिकारक प्रयोगों के कारण होने वाली मौतों में कमी लाने के उद्देश्य से सितंबर 2018 में WHO द्वारा जो पहल लॉन्च हुई, उसका नाम है सेफर। देख सकते हैं आप दोस्तों, सेफर का फुल फॉर्म स्ट्रेंथन एडवांस फैसिलिटेट एनफोर्स एंड रेज। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गज यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? हाँ जी दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गज यात्रा का शुभारंभ किया गया मेघालय में गारो पर्वतों के बीच स्थित तुरा नामक गांव से। अगला प्रश्न, पद्मावती द क्वीन टेल्स हर ओन स्टोरी किताब के लेखक कौन है? हाँ जी दोस्तों, पद्मावती द क्वीन टेल्स हर ओन स्टोरी के लेखक हैं सुतापा बासु। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 48वें सदस्य बनने की पुष्टि किसने की? हाँ जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 48वें सदस्य बनने की पुष्टि की जापान ने। अगला प्रश्न, 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात में कौन सी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाँ जी दोस्तों, जो गुजरात में जिस ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी खूबसूरत तस्वीर।
बता दें कि साल 2013 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव रखी थी। दुनिया की सबसे बड़ी इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है, जो सरदार सरोवर बांध के 3 किलोमीटर अंदर की ओर बनाई जा रही है। पूरी तरह से लौह की बनी लौह पुरुष की इस प्रतिमा के निर्माण के लिए देश भर से किसानों मजदूरों से एकत्रित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की शुरुआत कहाँ हुई? हाँ जी दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 खेला गया ओडिशा के भुवनेश्वर में। हाल ही में किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? हाँ जी दोस्तों, हाल ही में जिसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया, वो है विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? हाँ जी दोस्तों, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत 77वीं रैंक पर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? हाँ जी दोस्तों, यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है सिक्किम स्थित कंचनजंगा। अगला प्रश्न, देश के सबसे लंबे रिवर ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? हाँ जी दोस्तों, देश के सबसे लंबे रिवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा असम में। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन कौन सी है? हाँ जी दोस्तों, भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन है ट्रेन 18। भारत में मेक इन इंडिया के तहत तैयार होने वाली इस ट्रेन का निर्माण अमेरिका, जापान, चीन और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर किया जा रहा है। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। यह ट्रेन पूरी तरह से चेयर कार वाली होगी, जिसे भारतीय रेल की चेन्नई स्थित इंट्रीगल कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार किया जाएगा। इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इस ट्रेन में इंजन नहीं लगा होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस हफ्ते के करंट अफेयर सीरीज के प्रश्न। उम्मीद है ये सवाल आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।